नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आज भी आर्यन खान की जमानत टल गई। कोर्ट कल फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि आर्यन की आज की रात भी जेल में ही कटेगी। इस खबर से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को बड़ा सदमा लगा है। बेटे पर एनसीबी के शिकंजे को कसते देख शाहरुख खान की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत इस जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई स्थगित होने के बाद आर्यन खान को कम से कम एक और रात जेल में बिताना होगा। मुंबई सत्र न्यायालय में आर्यन खान के साथ साथ नुपुर सतीजा, अच्युत कुमार, अरबाज मर्चेंट, मोहक जसवाल, मुनमुन धमेचा, श्रेयस नायर और अविन साहू की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। बता दें कि आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट को बताया है कि 2 अक्टूबर के छापे के समय आर्यन खान क्रूज पर नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ ड्रग्स की तस्करी का आरोप बेतुका है। अमित देसाई ने कहा है कि एनसीबी की छापेमारी जब शुरू हुई तब आर्यन क्रूज में नहीं पहुंचा था और उसने ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया था और ना ही उनके पास कुछ भी मिला है। जबकि एनसीबी के वकील एएसजी अनिल कुमार सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए जज को आर्यन खान और एक विदेशी पेडलर के बीच व्हाट्सएप चैट दिखाया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मात्रा कमर्शियल है, उनके पास हार्ड और थोक ड्रग्स हैं, ये व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं हो सकता। एनसीबी ने कहा है कि हमने ये जानने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है कि हम इस विदेशी नागरिक को कैसे ढूंढ सकते हैं। वहीं आर्यन खान की जमानत पर आज भी सुनवाई टल गई है। अब कल कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।